औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मौज़े सामीनो कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में छड़ी लाठी देखने के हवाले से, पकड़ कर चलने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ख्वाब में लाठी को देखना, इसकी ताबीर ये है कि इसका वास्ता किसी ऐसे आदमी से पड़ेगा जिसके मददगार बहुत लोग होंगे, या ऐसे शख्स से मिलेगा जिसके खादमीन की तादाद बहुत ज़्यादा होगी और वो बड़े नसब वाला आदमी होगा। ख्वाब में कोई देखे कि इसके हाथ में छड़ी लाठी है, इसकी ताबीर ये है कि ये किसी ऐसे आदमी से मदद तलब करेगा जो आलमी होगा, बेजार शरीफ होगा, अच्छे करदार का मालिक होगा, लेकिन अपने माल को ज़्यादा करने के चक्कर में होगा, मतलब की खातर लोगों की मदद करता होगा, अपने मतलब को निकालने के लिए लोगों की मदद भी करेगा। ख्वाब में लाठी इसी ऐसी का सहारा लेना जो बेजहर खोखली है। ख्वाब में अगर कोई शख्स किसी ऐसी लाठी का सहारा लेता है जो बेजहर खोखली है, जो किसी भी वक़्त टूट सकती है, इसकी ताबीर इसके माल ज़ाया होने का ख़दशा है बहुत अनकरीब, इसका माल ज़ाया होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि किसी ऐसी छड़ी के सहारे चल रहा है जो खोखली है, इसका माल अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। ख्वाब में कोई देखे कि इसके हाथ में लाठी है और वो टूट गई है, तो तबीर यह है कि कोई ऑफिसर या बड़े अदारे का अफसर सरबराह इससे मौजल हो जाएगा, इसकी किसी के नौकरी ख़त्म होने की अलामत है, या कोई भी जो कारोबार करता है उसके नुकसान पहुँचने की अलामत है। ख्वाब में लाठी को देखे और इसको ज़मीन पर मारा है किसी ने ख्वाब में, और तबीर यह है कि वो इस ज़मीन पर गालब आएगा और ज़मीन के मालक पर गालब आएगा। अगर किसी ने देखा कि उसके हाथ में लाठी है, ख्वाब में लाठी कोई देखे और इसको ज़मीन पर मारे, और तबीर यह है कि वो इस ज़मीन पर गालब आएगा और इस ज़मीन के मालक पर भी गालब आएगा। अगर किसी ने देखा कि उसके हाथ में ख्वाब में देखा कि उसके हाथ में लाठी है, को किसी को मार रहा है, ख्वाब देखने वाला ज़बान दराजी करेगा, किसी से बुरी गुफ्तगू करेगा। ख्वाब में कोई देखे कि इसके हाथ में लाठी थी और टूट गई, ये किसी शदीद मर्ज में मुब्तला होगा, वो मर्ज अच्छा होगा जिसमें इसके अज़ा जवाब दे जाएंगे, मर्ज़ अच्छा नहीं होगा, इसके अज़ा जवाब दे जाएंगे, ये शख्स बिल्कुल नडाल हो जाएगा, बेहस हो जाएगा। ऐसे शख्स को सदका खरात इस्तगफार करना चाहिए, क्योंकि ये ख्वाब उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लाठी का टूट जाना उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो लाठी के सहारे चल रहा है, तो इसकी ताबीर यह है, तबीर ये भी हो सकती है कि वो किसी कश्ती का सफ़र करेगा। अगर मालदार है तो ज़्यादा दरिया दिल और मालदार हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। अगर किसी ने ख्वाब में पत्थर वाली लाठी पानी पर मारी है और पानी जारी हो गया है, इसको रिजक कसीर मिलेगा, इसकी तंग दस्ती ख़त्म हो जाएगी, इसको दौलत मिलेगी। ख्वाब में लाठी के सहारे चलना दीन और तबलीग का काम करेगा, दीन का काम करेगा, लोगों को बुराइयों से रोकेगा। ख्वाब में लाठी बादाम के दरख्त से बनी हुई है तो अच्छी हालत में है, तो बुरी इस शख्स की हालत हो जाएगी ख्वाब में। अगर ख्वाब में उसने लाठी बादाम के दरख्त की बनी हुई देखी है,
अगर उसकी हालत अच्छी है तो बुरी हो जाएगी, अगर बुरी है तो अच्छी हो जाएगी, इस चीज़ की अलामत है। मौज़े सामीनों कराम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा सदका जारी समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासर हों। जज़ाकल्लाह।